नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और साहित्य को समर्पित हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्या टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि गुरबत की ठंडी छांव में याद आई उसकी धूप, गुरबत की ठंडी छांव में याद आई उसकी धूप, कदरे वतन हुई हमें तरके वतन के बाद। बशीर फारूकी साहब है, बड़े शायर थे ये, लखनऊ के। इनकी एक गजल रादेश, मेरे बदन में छुपी आग को हवा देगा। क्या बात, मेरे बदन में छुपी आग को हवा देगा, वो जिस्म फूल है लेकिन मुझे जला देगा। क्या बात, तुम्हारे मेहरबा हाथों को मेरे शाने से, तुम्हारे मेहरबा हाथों को मेरे शाने से मुझे गुमा भी न था, वक्त यूं हटा देगा। क्या बात है, और कौन मेरे घर में ये सवाल न कर, है कौन है और कौन मेरे घर में ये सवाल न कर, मेरा जवाब तेरा रंगे रुख उड़ा देगा। क्या बात, चले भी आओ कि ये डूबता हुआ सूरज चराग जलने से पहले मुझे बुझा देगा। क्या बात, खड़े हुए हैं यहाँ तो बुलंद हिम्मत लोग, थके हुओं को भला कौन रास्ता देगा। क्या बात, दरों को बंद करो वरना आंधियों का ये जोर, दरों को बंद करो वरना आंधियों का ये जोर तुम्हारे कच्चे घरों की छतें उड़ा देगा। क्या बात, आखिरी शेर देखिए, जहां सब अपने ही दामन को देखते हो बशीर, जहां सब अपने ही दामन को देखते हो बशीर, उस अंजुमन में भला कौन किसको क्या देगा। क्या बात, कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। साहिर लुधियानवी साहब की एक गजल है, मुझे ये फूल न दे तुझको दिलबरी की कसम। क्या बात, मुझे ये फूल न दे तुझको दिलबरी की कसम, ये कुछ नहीं तेरे होंठों की ताजगी की कसम, नजर हसी हो तो जलवे हसीन लगते हैं, मैं कुछ नहीं हूं मुझे मेरे हुस्न की कसम। क्या बात, तू एक साज है छेड़ा नहीं किसी ने जिसे, है तेरे बदन में छुपी नर्म रागिनी की कसम। आगे कहते हैं, ये रागिनी तेरे दिल में है मेरे तन में नहीं, परखने वाले तुझे तेरी सादगी के कसम। और आखिरी शेर देखिए, लुधियानवी साहब लिख रहे हैं, गजल का लोच है तू, नज़म का शबाब है तू। क्या बात, गजल का लोच है तू, नज़म का शबाब है तू, यकीन कर मुझे मेरे ही शायरी की कसम। क्या बात, साहिर लुधियानवी साहब, यही बहुत है कि दिल उनको ढूंढ लाया है, यही बहुत है कि दिल उनको ढूंढ लाया है, किसी के साथ ही सही पर वो नजर तो आया है। आज हम लाते हैं धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असो साहब की रचना, एक कविता आई है उनकी, नई कविता है, मैं प्रयास करता हूँ इसे लेखक के नजरिए से बोलने का, हो भी सकता है मैं सफल हूँ, नहीं है तो आप माफ कीजिएगा। शीर्षक है इसका, उसके दूध के आंसू। अब देखिए, मैं शुरुआत करता हूं, उस माँ के सपने में भगवान तू निराधार है, उस माँ के सपने में भगवान तू निराधार है, जो भीख से दूध पैदा करती, कचरे से पिलाने का इंतजाम करती, औलाद के रूखे गाल पर अपनी दौलत का एहसास करती है, औलाद के रूखे गाल पर अपनी दौलत का एहसास करती। आगे देखिए, पालने रेत को बिस्तर बनाकर जब मखमली हो जाते, पालने रेत को बिस्तर बनाकर जब मखमली हो जाते, महलों में रहने का दबाव समझ आता, कितना खोखला है तेरा स्वर्ग, कितना खोखला है तेरा स्वर्ग, माँ के आंचल से बेहतर तो नहीं। आगे, कैसे माँ के साये में नदियां समुद्र होती,
कैसे माँ के साये में नदियां समुद्र होती या वसंत में टूटे दरख्त हरे होते हैं। यह पर्वत से टकराकर बर्फ हुआ अनाथ बादल किसे बताए। माँ के आंसू में, माँ के आंसू में कितने बादल, कितने पहाड़, कितनी नदियां, कितनी हवाएं, कितनी होलियां, कितनी दिवालियां। वह सदियों से पहुंच रही मानवीय संवेदना की बेरहम पड़ताल में गुम हुआ बचपन अब मासूम मायूस नहीं, बस एक आंसू है माँ की आंख में बहती गंगा, और इंतजार में समुद्र की पलकें भीगी हैं रिश्ते के अटूट गठबंधन में। आगे, माँ का घोंसला बन जाना, जीवन को नजदीक से सुनना, और कितनी सुलगती है वह, कितनी सुलगती है वह चूल्हा बन जाने के बाद, जब बच्चों के लिए बिना राशन के रोटी सेंकती है, जब बच्चों के लिए बिना राशन के रोटी सेंकती है। आगे देखिए, गरीबी में भी ईश्वर नहीं छीन पाया माँ की सूखी गोद में बचपन का मुस्कराना, माँ की सूखी गोद में बचपन का मुस्कराना, नंगे बदन पर कड़कती धूप के नीचे माँ कहने भर से बुरे समय को चीरने का अनुभव, मुट्ठी में रेत की गुल्लक से भगाने का खेला, माँ से बेहतर तो भगवान भी नहीं जान पाया, माँ से बेहतर तो भगवान भी नहीं जान पाया। साहब की चीज ये नई रचना। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है, लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है, कौन से शहर में होता है, किधर होता है। हकीम नासिर साहब बड़े शायर, उनकी एक गजल है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है पत्थर, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। अब मेरी दीद की दुनिया भी तमाशाई है, तूने क्या मुझको मोहब्बत में बना रखा है। आखिरी शेर, पीजा अय्याम की तलखी को भी हंसकर नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रहो, कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। विजेंद्र सिंह परवाज साहब ने, गाजियाबाद के ये शायर हैं जी, जो एक मैं प्रयास करता हूँ। आखिर उदास उदास तबीयत भी क्या करे, अब मेरा दिल किसी से मोहब्बत भी क्या करे। तपती रही जमीन कड़ी धूप में पड़ी, सूरज की रोशनी की शिकायत भी क्या करे। पत्थर बना के छोड़ गए जिसको हम सफर, अब उसके साथ और मुसीबत भी क्या करे। सब जानते हैं जब्त का जिम्मा हम ही पे है, बागी नहीं है दल तो बगावत भी क्या करे। आखिर शेर देखिए, लड़ने से जब किसी को मैं तैयार ही नहीं, परवाज मुझसे कोई
अदावत भी क्या करे। बहुत ही खूब, परवास मत से कोई अदावत भी क्या करे। के मोहरों के भरोसे हैं राजा रानी के ताज। क्या बात, मोहरों के भरोसे हैं राजा रानी के ताज। उखाड़ फेंके थे जो मुकुट वर्षों पहले, उखाड़ फेंके थे जो मुकुट वर्षों पहले, वही सिर पर सजा रखे हैं आज। हरवंश राय बच्चन की एक कविता है उखाड़ जी, जी। आ रही रवि की सवारी, देखिए क्या लिखते हैं। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। क्या बात, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। क्या बात, विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, फौज सारी। क्या बात, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर गया, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आए हैं। धन्यवाद अंकिता, आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है हवाओं का रुख। इसको लिखा है मुरारी शर्मा ने। इसमें उन्होंने बताया है कि कहानीकार की रचना प्रक्रिया कई स्तरों पर अपनी रचनात्मकता के नए आयाम खोज रही है। इन कहानियों के किरदार भले ही बड़े लोग ना हो, मगर ये कहानियाँ बड़ी चिंताओं की कहानियाँ अवश्य हैं। ये चिंताएँ कहानीकार मुरारी शर्मा की जीवन के प्रति प्राथमिकताओं के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करती है। ये कहानियाँ मनुष्य की त्रास्त नीतियों की केंद्रीयता के बावजूद अपने कहानीपन को बनाए रखती हैं, इसीलिए ये पाठकों को आकर्षित करते हैं। तो आप भी इस किताब को ज़रूर पढ़ें। किताब का मूल्य है 330 रुपये। चलिए आपको वापस ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए धर्मशाला से अदिति गुलेरी की कृति खुद उनकी ही आवाज़ में। दिव्य हिमाचल के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं अदिति गुलेरी धर्मशाला से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ चंद कविताएं लेकर। कविता है बेटियाँ। बेटियों में कभी माँ की छाया, कभी पिता का साया। बेटियों में कभी माँ की छाया, कभी पिता का साया नज़र आता है बेटियों में बंटे तो। बेटियों में बंटे तो गम आधा, बेटियों से हटे तो जीवन आधा, जीवन आधा। कविता है माँ, जो आपके समक्ष रख रही हूँ। माँ अब छुप छुप आँखें भरती है, माँ अब छुप छुप आँखें भरती है, माँ अब घुट घुट बातें करती है। माँ अब छुप छुप आँखें भरती है, माँ अब घुट घुट बातें करती है, माँ अब चुन चुन कांटे सबकी राहें सस्ती है, माँ अब चुन चुन कांटे सबकी राहें सस्ती है, माँ अब बुन बुन रिश्ते सबको सांभे रखती है, माँ अब छुप छुप आँखें भरती है, माँ अब घुट घुट बातें करती है। माँ अब कुछ कुछ थोड़ा डरती है, माँ अब कुछ कुछ थोड़ा डरती है, माँ अब कुछ कुछ रुक रुक थोड़ा थमती है। बेटे बेटी पोते पोती, बेटे बेटी पोते पोती, धोते धोती ना रूठे उससे इसलिए मुंह पर चुप्पी डाले रखती है, माँ अब चुप चुप आँखें भरती है, माँ अब घुट घुट बातें करती है। माँ अक्सर सब कुछ जानकर अनजान बन जाया करती है, माँ अब सब कुछ जानकर अनजान बन जाया करती है, माँ अक्सर अब सब कुछ जानकर सम्मान मांगा करती है, सम्मान मांगा करती है। माँ अब सुन सुन रिश्ती जाती है, माँ अब सुन सुन रिश्ती जाती है, माँ अब घुनघुन पिसती जाती है, माँ अब कुछ कुछ ना बदली है, माँ अब हर कुछ ही बदली है, माँ अब हर कुछ ही बदली है, माँ अब तन्हा ही डग भरती है, माँ अब खुला ही दर रखती है, माँ अब छुप छुप आँखें भरती है, माँ अब घुट घुट बातें करती है। कविता है सुनो तुम याद आते हो, तुम याद आते हो उनींदी सी अलसाई सी, सुबह की चाय से ही तुम याद आते हो, तुम याद आते हो उनींदी सी अलसाई सी, सुबह की चाय से ही
तुम याद आते हो। कल तुम्हारी बिखरी चीजों को देख, कल तुम्हारी बिखरी चीजों को देख, तुमसे सुनकती रहती थी घर को बुहारते हुए, आज तुम्हारी उन सब चीज़ों को मैं बिखरा ही छोड़ जाती हूँ, बिखरा ही छोड़ जाती हूँ। धोने के कपड़ों को समेटते हुए, खूंटी पर लटके हुए तुम्हारे कपड़ों में तुम याद आते हो। तुम्हारी भीनी गंध को महसूस करके वहीं लटकते छोड़ जाती हूँ। सुनो तुम याद आते हो, सुनो रसोई घर में तुम याद आते हो। अक्सर सिलेंडर लगाने से जो मैं बचती रही, सुनो रसोई घर में तुम याद आते हो। अक्सर सिलेंडर लगाने से जो मैं बचती रही, आज डरते डरते सिलेंडर लगाना भी सीख जाती हूँ। सब्जी भाजी बच्चों के पेन पेंसिल लाना भी सब कुछ लिख लिख कर फिर भूल जाती हूँ। सुनो तुम याद आते हो। रेडियो टीवी सब मौन है, रेडियो टीवी सब मौन है, तुम्हारे बिना मेरा कौन है। बच्चों संग खुद को बहलाती हूँ, रेडियो टीवी सब मौन है, तुम्हारे बिना मेरा कौन है। बच्चों संग खुद को बहलाती हूँ, जिस खाली वक्त को मैं तुम्हारे लिए तरसती थी, आज उसी खाली वक्त में बिन मछली पानी सा तड़प जाती हूँ, तड़प जाती हूँ। सोचें तो तुम्हारी यादों का बसंत भी यही है, सोचें तो तुम्हारी यादों का बसंत भी यही है, बोलें तो तुम्हारी बातों का पतझड़ भी यही है, डोलें तो मन के भंवर का हर मौसम यही है। सोचें तो तुम्हारी यादों का बसंत भी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है, इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।